अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। कल हमने वीडियो नहीं बनाई, मिस हो गई, थोड़ा काम था और इसमें बहुत सारी रिसर्चेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे क्या है। लास्ट अलमान जो था वो आप लोगों ने देखा, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट भी करना साथ साथ में। अब रमज़ान किस लिए आता है, रमज़ान क्या है और इसमें क्या क्या करना चाहिए, तीन बातें। रमज़ान क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं इसको आप दुनियावी तरीके से आपको समझाता हूँ। आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, जो लोग फॉरेन में करते हैं जैसे गल्फ़ कंट्री में, दुबई में या मॉरीशस में या अमेरिका में या लंदन में, कहीं भी करते हैं, तो वो जब जॉब स्टार्ट करते हैं तो जॉब लगने के कुछ महीने बाद उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। आपको पता होगा, मुझे भी, मैं कर चुका हूँ बाहर तो मुझे पता है, उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता था कि एक महीने की ट्रेनिंग होती थी या एक हफ्ते की या 15 दिन की, और हर ईयरली में 10-15 दिन 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग, एक महीने की तकरीबन वो भी रहती थी हर ईयर। जैसे अप्रेजल होता था, अप्रेजल के बाद में ट्रेनिंग आती थी, तो लोग जाते थे वहाँ पे, ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि हर साल सिस्टम चेंज होता था सामान का। कोई मॉल में है तो मॉल का है, कोई किसी चीज़ पे, कंपनी का रूल्स है, तो ये सब चीज़ें जब चेंज होता था सब कुछ, तो इस पे नए नए जो सिस्टम आते थे तो उस पे ट्रेनिंग होती थी। तो रमज़ान हमारे लिए क्या है, जो हर साल आता है 11 महीने के बाद में एक महीना जो होता है रमज़ान, ये हमारे लिए ट्रेनिंग है। अब आप सोचो कि ट्रेनिंग कैसे, वो तो कंपनी की थी, ये कैसे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग डे बोलते हैं इसको, रमज़ान को ट्रेनिंग डे बोलना चाहिए। परफेक्ट वर्ड इसके लिए यही है कि ये ट्रेनिंग डे है। हम लोग इसमें 11 महीने आप देखते होंगे कितने सारे लोग हैं जो कि नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा की पढ़ते हैं। पुड़िया, शराब, सिगरेट, शराब तो चलिए कुछ पीते कुछ नहीं, लेकिन सिगरेट और पुड़िया तो आम है, मैक्सिमम लोग खाते हैं, मैक्सिमम लोग। 11 महीने सब ऐसे ही चलता रहता है, फजर की नमाज़ को कोई पाबंद नहीं, फजर का असर मगरब कोई पढ़ता नहीं, नमाज जुमा किसी भी पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो जब रमज़ान आता है तो अल्लाह के रसूल बोलते हैं रमज़ान आता है तो शैतान को कैद कर लिया जाता है, और जब रमज़ान आता है तो सारे आदमी, मैक्सिमम 95% लोग पढ़ते हैं, उसमें भी 5% नहीं पढ़ते। तो उसमें जो है, जब 95% लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, तो ट्रेनिंग कैसे हुई उनकी, आप ये सोच रहे होंगे। तो ट्रेनिंग उनकी ऐसे हुई, 11 महीने जो चीज़ वो नहीं छोड़ना, जैसे बहुत से आदमी पुड़िया खाते नहीं छोड़ पाते, कोशिश करते, चिंगम चबाते हैं, कुछ लोग सूटी खा लेते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, लेकिन रमज़ान में एक महीना ऑटोमेटिक छूट जाता है। कभी गौर किया आपने, छूट जाता है कि नहीं, दिन भर रोज़ा रहते हैं नहीं खाते। तो ये ट्रेनिंग है, अगर आप ये एक महीना बढ़िया से ट्रेनिंग कर लो, जैसे सोच पुड़िया आप ऐसे भी नहीं खाते, चाह के भी नहीं खा सकते क्योंकि रोज़ा है, तो आप बाकी दिनों में भी नहीं खाएंगे आराम से, आप हर बुरी नशे की जो चीज़ होती है वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सिगरेट है, पुड़िया है, शराब है, कुछ भी हो, कोई तरह का भी नशा हो, आप इसमें छोड़ सकते हो, पहली चीज़। दूसरी, आप बहुत सारे लोग ऐसे भी जो नमाज़ की कोशिश करते नहीं पढ़ पाते या नहीं हो पाता, लेकिन रमज़ान में परमानेंट पढ़ते हैं। अब इस पे ले लेते हैं कि जो लोग पांचों वक्त की नमाज़ रमज़ान में पढ़ते हैं वो उसके बाद भी कंटिन्यू करें, तो इससे उन क्या रहेगा कि आदत तो पड़ी रहती है। आप 30 दिन फजर में उठते हैं टाइम से, आप जब रमज़ान चला जाता है तो उसके बाद भी वही टाइम आपकी आँखें खुलती है, खुलती है कि नहीं, ईमानदारी से सोबत अपने मन से पूछना, अपने से पूछना, खुलती खुलेगी तो 4-5 दिन खुलेगी, और अगर वही 2-4-5 दिन आप परमानेंट उठते रहो तो परमानेंट फिर खुलने लगेगी, परमानेंट फिर खुलने लगेगी। लेकिन अब बात ये चीज़ रहती है कि हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन रमज़ान में कर लेते हैं। रमज़ान में पुड़िया नहीं पीते, पुड़िया नहीं खाते, खाते हैं अफ्तार के बाद। अरे जब तुम सुबह से शाम तक नहीं खा रहे तो तुम पूरे रमज़ान नहीं खा रहे, कुछ लोग होते हैं उसके बाद भी नहीं खाते, कुछ लोग होते कि, तो ये अल्लाह ताला हर 11 महीने पर हम लोग को एक महीना देता है ट्रेनिंग करने के लिए कि तुम इसमें बढ़िया से नमाज़ पढ़ो। जब अल्लाह के रसूल, यह सही हदीस है, जब रमज़ान आता था तो वो अपनी कमर कस लेते थे, नमाज में इजाफ़ा करते थे, कुरान पढ़ने में इजाफ़ा करते थे, रोज़ा तो रखते ही थे, नेकी में इजाफ़ा, दौड़ना, जैसे खाना खिलाना, पानी पिलाना, सदका खूब अच्छे से करना, ये महीने में ऐसे भी करना चाहिए, महीने में ज़्यादा ज़कात तो देना ही देना, वो तो फ़र्ज़ है जिसके, जो मुस्तहक है। तो ये लोग सहाबा लोग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये लोग करते थे, हम लोग को भी यही करना चाहिए, ये ट्रेनिंग है
इसमें बढ़िया से ट्रेन होना चाहिए। 11 महीने तक ट्रेनिंग चलती है, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करो, एक साल में एक महीना ट्रेनिंग देगा, मैं ले चुका हूँ, वो 11 महीने तक चलती है। तो ये एक महीना ट्रेनिंग बढ़िया से करो, इसमें सारी बुरी चीज़ें छोड़ दो, आप 11 महीने तक चलेगी। 11 महीने के बाद फिर एक महीना आता है ट्रेनिंग के लिए, फिर ट्रेनिंग ले लो। और इसमें अल्लाह ताला बोलते हैं मैं आसमान के जन्नत के दरवाजे खोल देता हूँ, मतलब रहमत के दरवाजे खुल गए, जो चाहे अपनी बख्शिश करा ले। बख्शिश कैसे? अब अच्छे से जब आदमी ट्रेनिंग करेगा तो वो अच्छे से कहीं जॉब भी करेगा, राइट है कि नहीं भाई? जो आदमी ट्रेनिंग में बढ़िया से सीख लेगा वो आके बढ़िया से ड्यूटी करेगा, तो जो इसमें बढ़िया से नमाज और बुरी आदतें छोड़ देगा वो 11 महीने भी ऐसे कर सकता है। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है। आप एक महीना मस्त ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग मतलब रोज़े अच्छे से रखो, बुरी आदतें सारी छोड़ो, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, उसके बाद में नमाज कंटिन्यू करते रहो। ये नहीं कि एक चांद दिखा शुरू किया, दूसरे चांद पे नमाज गायब, यही हो रहा। एक चांद पे नमाज ऐसे मस्जिद में जगह नहीं मिलती, और दूसरे चांद में मस्जिदें खाली ऐसी हो जाती हैं कि 4-5 लोग ही नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कंटिन्यू करो, बेस्ट है। तो रमज़ान इज़ द ट्रेनिंग डे, ट्रेनिंग अल्लाह ताला जब 11 महीने ये करता है, ट्रेनिंग डे देता है, और ट्रेनिंग के बाद में 2 दिन की खुशी देखो आती है, ईद उल फितर और ईद उल अधा, मतलब ईद आती है, तो इसमें खुशी मनाओ। इसमें रोज़ा रखने का हराम करार दिया गया, इसमें खाओ, खिलाओ लोगों को, बुलाओ, मिलो, अच्छा दिन है, अच्छा त्यौहार है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मतलब हम लोग नहीं कर सकते, आप चाहो तो आदत छोड़ सकते। देखो पुड़िया तुमसे है, तुम पुड़िया से नहीं है, हैं? सिगरेट तुमसे है, तुम सिगरेट से नहीं है, शराब तुमसे, तुम शराब से नहीं, तुमने उसको पीना शुरू किया था, तुम उसको छोड़ सकते हो। अगर ना चाहो छोड़ना तो कोई बात ही नहीं, फिर आपके लिए कोई ट्रेनिंग डे नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे आम ज़िंदगी थी वैसे ही मरो, और वैसे ही मरने के बाद क्या जवाब दोगे, वो भी वो आपके ऊपर हेडेक है, मेरे कोई हेडेक। मेरी बात थी लोगों तक पहुँचाना कि रमज़ान ये ट्रेनिंग डे है, एक महीना मस्त ट्रेनिंग करो, 11 महीना चलेगा, फिर एक महीना करो, फिर 11 महीने चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। तो रमज़ान अब क्या है? ट्रेनिंग डे। रमज़ान का सही वर्ड यही है कि ये ट्रेनिंग है, इसमें नमाज आप, हाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नमाज़ ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन रमज़ान में खुसूसी नमाज़ ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा देर बैठ के कुरान नहीं पढ़ पाते, खुसूसी कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनकी आदत भी पड़ जाती है। जैसे जो लोग नफिल 8 पढ़ रहे हैं या 10 पढ़ रहे हैं दिन भर में, वो 20 पढ़ते, हम भी मतलब कोशिश करते कि ज़्यादा पढ़े, 10 रकात ज़्यादा पढ़े, तो आम दिन में भी आप जब इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे तो आदत पड़ जाएगी फिर आपकी, तो आम दिन में भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये है, तो इसमें बढ़िया से ट्रेनिंग करो। और यार चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा भाई इस तरीके की और मोटिवेशन वीडियो लाता रहेगा। इसमें दीन भी है, दुनिया भी है, आप देखो मेरी वीडियो में दीन भी है, दुनिया भी है, आप अगर अच्छे से इस पर गौर फिक्र करोगे तो मैं ये, और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं विदाउट स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं, बस एक बैठ के एक तरतीब बनाता हूँ कि ऐसे ऐसे बोलना है, कुरान में पढ़ता हूँ, हदीस में पढ़ता हूँ, और आपके सामने ला के पेश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल ऑन कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो रहे वो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ट्रेडिंग डे ध्यान रखना, और तुम मुझे कमेंट करके बताओ यार, अगर तुमको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, और यार वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। इस्लामिक है कोई, लाइक्स बहुत कम लोग देखते हैं और लाइक करते हैं, मूवीज़ देखता हूँ, सॉन्ग देखता हूँ, मिलियनों बिलियनों में जाते हैं, और दीन इस्लाम की कोई बात यार, खैर मेरा कंपेरिज़न उससे है नहीं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, उसको देखने वाले ज़्यादा हैं, ये देखने वाले कम हैं। तो भाई थोड़ा सा देखो और नसीहत हासिल करो, और नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। तो मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।